Hi, hello everyone. This is Banking Basta 2.0 and my name is Sonu Yadav. So, आज का ये जो मैं सेशन बनाने वाली हूँ ये अब तक के मेरे बनाए हुए जितने भी YouTube पे सेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सेशन यही वाला है. सो वट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस सेशन. देखिए, इफ़ यू आर अ बैंकिंग एस्पायरेंट, अगर आप किसी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बैंकिंग में अगर बात करूँ तो सबसे फेमस जो एक पोस्ट होती है वो होती है बैंक पीओ की पोस्ट. तो बैंक पीओ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो हैं आज के सेशन हम यहाँ पर कवर करेंगे. ऑल यू नीड टू नो अबाउट अ बैंक पीओज लाइफ की सैलरी कितनी होती है, व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ द बैंक फॉर अ बैंक पीओ. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वन पर्टिकुलर सेशन. So let me summarize all the points that I am going to cover in this particular session. So there are some points that we are going to cover is what is the salary of a bank PO and what is the workload या फिर responsibilities क्या होती हैं जो उसको दी जाती हैं, what is the joining process and what is the transfer and the posting policy for a bank PO, क्या bank PO को office politics face करना पड़ता है, what is the timing for him and what is the timings of the bank and हमें वहाँ पर कितनी लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है. ईच एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन सेशन. सो व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग और या फिर आप अभी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए, इस सेशन को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पर बताया गया एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो ट्राई नॉट टू मिस एनी पॉइंट ऑफ दिस सेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. और उससे पहले आई वुड लाइक यू टू लाइक दिस सेशन एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एज वेल. गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम अबाउट द जॉइनिंग प्रोसेस. देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो हमारे इंडिया में एक कॉमन एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ द IBPS पीओ एग्जामिनेशन. ठीक है, IBPS पीओ एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना पड़ता है. दे आर सम बैंक्स लाइक SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो अपना एग्जामिनेशन जो होता है पीओ के लिए वो अलग से कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन जो मोस्टली हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका एक ही एग्जामिनेशन होता है जो क्या होता है IBPS पीओ. नाउ IBPS पीओ में आपको पहले प्री मेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू स्टेज क्लियर करना पड़ता है. इंटरव्यू स्टेज क्लियर करने के बाद आपका जो फाइनल लिस्ट लगता है, फाइनल रिजल्ट आता है, अगर आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में है तो आप सिलेक्टेड माने जाते हैं. और उस फाइनल लिस्ट के टाइम पर ही आपको बताया जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर बैंक जो है वो मिल गया है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. जो भी आपने प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते टाइम बताई थी उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको वो बैंक मिल जाता है. नाउ द थिंग इज, हमारा जॉइनिंग प्रोसेस क्या होता है जब हम फाइनल लिस्ट में हमारा नाम आ चुका है. तो देखिए, दे आर मैनी डिफरेंट जोन्स इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट जोन्स होते हैं. लाइक दिस इज, अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये हमारा दिल्ली जोन है और ये क्या है, हमारा चंडीगढ़ जोन है. अब यहाँ पर क्या होता है, मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँगी. मैंने जो एग्जामिनेशन दिया था हरियाणा से दिया, यानी मैंने चंडीगढ़ जोन से दिया. मेरा पूरा जॉइनिंग प्रोसेस जो हुआ था वो चंडीगढ़ में ही हुआ था, लेकिन जब अलॉट किया गया जोन, हमें जोन जो अलॉट किया गया, तो उन्होंने मुझे जो जोन दिया वो दिया अमृतसर जोन. ठीक है, अमृतसर एक जोन है. अब देखो क्या होता है, आपको जब जोन पता चल जाता है, आपको मुझे पता चला कि मुझे जो जोन मिला है वो अमृतसर जोन मिला है. सो हमें क्या करना था, हमारे अमृतसर में जो जोनल ऑफिस था वहाँ जाके हमने रिपोर्ट किया. और जब जोनल ऑफिस वहाँ पर आप जाते हैं, जेडो जब आप जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको बताया जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो अलॉट की गई है. आपको क्या, अब आप समझ रहे हैं पूरा प्रोसेस, इंडिया को डिवाइड किया गया हर एक जोनल ऑफिस में. जोनल ऑफिस में आपने जाकर रिपोर्ट किया, वहाँ से आपको भेजा गया अपनी ब्रांच में, जहाँ पर आपको उसी डे जाके या उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे आपको जाकर रिपोर्ट करना होता है. तो ये पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है. अब आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इंटरव्यू के टाइम पर होता है, और जब आप ज्वाइनिंग करते हैं यानी जब आप जोनल ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है. ठीक है, तो दो बार आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड अबाउट द जॉइनिंग प्रोसेस. तो जब आप ब्रांच में चले जाते हैं तो वहाँ आपको एक स्टाफ आईडी प्रोवाइड की जाती है, जो आपकी एक पर्टिकुलर आईडी होती है. इसके अलावा 2 से 3 दिन तक आपके पास वहाँ पर कुछ काम नहीं होता, क्योंकि आपकी स्टाफ आईडी बनने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं. जब आपको अपनी स्टाफ आईडी मिल जाती है तो आपको वो बेसिक वर्क से स्टार्ट करते हैं. आप ऑफिसर हैं लेकिन स्टार्टिंग में आपको क्लैरिकल वर्क भी वहाँ पर सीखना पड़ता है.
ठीक है, तो बेसिक वर्क से आपसे वहाँ पर स्टार्ट करवाया जाता है ताकि आपको हर एक फील्ड की बेसिक नॉलेज हो पाए. सो ये हमारा टोटल ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है. नाउ द थिंग इज़ कि बैंक में ज्वाइनिंग में आपकी जो पोस्टिंग मिलती है वो किसके अकॉर्डिंग मिलती है. देखो, अगर आप यहाँ इफ़ यू आर स्टेइंग इन लेट मी गेस आप हरियाणा में स्टे कर रहे हैं, यू कैन बी पोस्टेड एनी वेयर ऑल ओवर द इंडिया. इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है. तो ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है? वैकेंसीज पर डिपेंड करती है और आपके बैंक पर डिपेंड करती है. मान लीजिए आपका बैंक जो है, आपको आपने लाइक मैं बैंक किसी भी बैंक की अगर हम बात कर ले, मान लीजिए आपने कैनरा बैंक जो था वो प्रेफरेंस पे रख दिया फर्स्ट. अब अगर कैनरा बैंक की नॉर्थ इंडिया में कोई भी वैकेंसीज नहीं होंगी, अगर उनकी वैकेंसीज अगर साउथ इंडिया में हैं तो आपको जो पोस्टिंग होगी तो आपको साउथ इंडिया में भी आपकी पोस्टिंग मिल सकती है. तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है. आई एम राइट नाउ पोस्टेड अराउंड 600 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम. ठीक है, अभी मुझे राइट नाउ 600 किलोमीटर्स दूर पोस्ट किया गया. द रीज़न बीइंग कि यहाँ जो पर जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा हैं. ठीक है, जहाँ जिस जोन में मैं पोस्टेड हूँ वहाँ इस बैंक की ज़्यादा वैकेंसी थी, तो यहाँ पर उनको ज़रूरत थी. तो जहाँ बैंक को आपकी ज़रूरत होगी वो वहीं आपको पोस्टिंग देगा. सो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें कि आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है. अगर ट्रांसफ़र की बात करें तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है, जो आपका ये प्रोबेशन पीरियड होगा ये होता है हमारा 3 ईयर्स का. तो 3 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपको सेम जोन में रहना होता है. आपका ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रांच डिफरेंट मिल जाए. मान लीजिए आज आप एक ब्रांच में हैं, कल आपको दूसरी ब्रांच में पोस्ट किया जाए. तो ऐसे यहाँ पर पूलिंग की जा सकती है, लेकिन आपका जोन चेंज होने के चांसेस कम होते हैं. आप आफ्टर 2 ईयर्स यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र के लिए आप 2 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं. ये चीज़ अच्छी होती है अगर स्टार्टिंग में, अगर आपको अपने स्टेट से अपने घर से दूर अगर पोस्ट किया गया है, तो उसके बाद में 2 से 3 साल बाद आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको वापस अपने होम स्टेट में पोस्ट किया जाए. और ऐसा नहीं है कि वो एक बार होम स्टेट में पोस्ट करके आपको फिर कहीं दूर भेज देंगे. जनरली ऐसा होता है कि वो आपको होम स्टेट में ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में ही पोस्टिंग देते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है. जब बाहर निकलोगे तभी तो चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे ना. एक बार आप अपने घर से दूर रह के अगर काम कर रहे हो तो आपके लिए फिर अपने स्टेट में काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा. सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर, अगर आप इसको पॉजिटिवली ले तो. सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग पॉलिसी. अगर आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में दूर भी आ रही है तो घबराएं ना, बिल्कुल ज्वाइन करें और ये सोचें कि 2 से 3 साल बाद मैं आराम से अपने होम स्टेट में आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है. सो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम मूव करें, द सैलरी पॉइंट. सो दिस इज़ अ वन मोस्ट आस्ट पॉइंट. सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि मैम एग्जैक्टली सैलरी कितनी मिलती है बैंक पीओ को. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन सैलरी, अगर मैं अपनी सैलरी की बात करूँ, राइट नाउ आई एम गेटिंग 41K इन हैंड. इन हैंड जो मेरी सैलरी है वो 41K है. इसके अलावा आई एम गेटिंग 10K अकोमोडेशन, यानी हर महीने मुझे 10K मिलता है अपना हाउसिंग रेंट. अगर आप अपने होम स्टेट से दूर पोस्टेड होते हैं तो आपको हर महीने हाउसिंग रेंट मिलता है. आपको ये 6 से लेकर 14K तक मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी. आपको किस सिटी में पोस्ट किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट होता है आपको दिया जाता है. अगर आप अपने होम स्टेट में पोस्टेड हैं या घर के पास पोस्टेड हैं तो इसकी जगह आपको HRA दिया जाता है, जो होता है अराउंड 1500. तो हर महीने आपको 1500 HRA दिया जाता है. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. इसके अलावा देखिए, आपको अराउंड 3000, अगर आपके पास बाइक है, 3000 to 4000 ईच मंथ यू विल बी गेटिंग फॉर योर पेट्रोल एक्सपेंसेस. अगर आपके पास व्हीकल है, अगर आपके पास व्हीकल है तो आपको 3 से लेकर 4000 तक हर महीने आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस मिलते हैं. इसके अलावा आपको हर महीने 500 क्लीनिंग मटेरियल एक्सपेंसेस मिलते हैं. न्यूज़पेपर में एक्सपेंसेस जो हैं वो 250 मिलते हैं. यानी ओवरऑल मैं इन सारी चीज़ों की अगर बात करूँ सो इट गोज़ अराउंड अप टू 60K. लेकिन होता क्या है बैंक में, हर महीने आपको सिर्फ 41K मिलते हैं. ये 10K जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जहाँ जिनके यहाँ आप रह रहे होते हो, उनके ही अकाउंट में डायरेक्टली चले जाते हैं. और ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो बाकी रेम्बर्समेंट्स होते हैं, ये आपको क्वार्टरली बेसिस पर दिए जाते हैं. हर महीने नहीं मिलते हैं. कैसे मिलते हैं? क्वार्टरली बेसिस पर मिलते हैं.
ओके सो आप क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखें, आपको हर 3 महीने बाद में, 3-4 महीने बाद में 12 to 13 की एक्स्ट्रा दिया जाता है. सो सैलरी की अगर बात करें, जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी है. और अभी हमारा जो डीए है, डियरेंस अलाउंस है, उसको भी 1,000 रुपीज़ जो इंक्रीज़ कर दिया गया है. आपकी जो बैंक यूनियंस है वो लगातार काम कर रही हैं ताकि आपकी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए. और अभी हमारा जो रिसेंट हम एक्सपेक्टेड हैं कि हमारे जो बैंकर्स की सैलरी है वो 15% तक इंक्रीज़ की जाएंगी. सो ये अभी सारी चीज़ें जो हैं ऑन गोइंग है, जिसके बारे में आप अगर बैंक में रहेंगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा. यहाँ पर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर. अब हमने बात कर ली कि चलो ज्वाइनिंग का पता चल गया, उसके बाद में आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का पता चल गया, सैलरी कितने मिलने वाली है. नाउ द थिंग इज, उस सैलरी को लेने के लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा. देखिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बैंक, बैंक में देयर आर मैनी डिफरेंट पोस्ट. एक होती है आपकी ब्रांच मैनेजर जो होते हैं, सेकेंड आपके होते हैं जो सीनियर मैनेजर होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडमिन पोस्ट जो होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो होते हैं. और थर्ड पर आपका आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर. एक बैंक पीओ जो होता है वो थर्ड लेवल पर होता है, यानी असिस्टेंट मैनेजर. काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर के पास बाद में जो डायरेक्टली पोस्ट आती है वो आती है आपकी असिस्टेंट मैनेजर. जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उसमें सीनियर मैनेजर नहीं होते, सीधे असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं. ठीक है, तो आपका ये जो चार्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. अब असिस्टेंट मैनेजर को क्या काम करना होता है, देखिए, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैंक, तो बैंक में क्या होता है, दे आर मैनी डिफरेंट फील्ड्स. लाइक आपका हो गया है एडवांसेस हो गया है, आपका फोरेक्स हो गया है, एंड आपका डिपॉजिट्स हो गया है. एडवांसेस इज रिलेटेड टू द लोन्स, फोरेक्स इज रिलेटेड टू द रेमिटेंसेज लाइक फॉरेन एक्सचेंजेस, एंड डिपॉजिट्स इज रिलेटेड टू द नेफ्ट्स, आरटीजीएस, चेक क्लियरिंग्स, एफडीज, एंड मैनी मोर थिंग्स. ठीक है, सो डिपॉजिट्स इज रिलेटेड टू दिस. जनरली जो हमारे डीआरओज होते हैं, जो रिक्रूटेड होते हैं, यानी जो हमारे पीओज रिक्रूटेड होते हैं, उनको जनरली जो अलॉट किया जाता है वो डिपॉजिट्स में बिठाया जाता है, विच इज़ अ मिसलेनियस सेक्शन. ये क्या है, हमारे एक मिसलेनियस सेक्शन है. इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी क्लैरिकल पोस्ट होते हैं, जो भी क्लर्क्स होते हैं आपके, क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की एंट्रीज करते हैं, यू नीड टू वेरीफाई ऑल दोज थिंग्स. आपका काम होता है लाइक इफ वन इज कमिंग टू गेट देम मनी, सो यू नीड टू वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द अकाउंट ओपनिंग, न्यू एफडीज एंड चेक्स. इफ समवन इज कमिंग टू गेट पेमेंट्स, तो आप उनके चेक्स जो है उनको भी चेक करते हैं, एफडीज जो है उस यू वेरीफाई ऑल द एफडीज. और न्यू अकाउंट्स ओपनिंग जो होते हैं, अकाउंट ओपनिंग से पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसको भी चेक करते हैं. ये सारा जो काम होता है वो हमारे पीओ का होता है. ठीक है, अगेन जो नेफ्ट्स हमारी की जाती हैं, जो ट्रांसफर्स किए जाते हैं, आरटीजीएस की जाती है, उसको भी वेरीफाई करने का काम कौन करता है, हमारा पीओ ही करता है. सो दीज आर मैनी डिफरेंट फील्ड्स जिसमें पीओ काम करता है, जो आपको करना पड़ेगा. ठीक है, इन केस इफ योर ब्रांच मैनेजर इज नॉट देयर, इफ योर एडमिन इज नॉट देयर, देन यू हैव टू टेक ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ब्रांच. उस केस में आपको ब्रांच की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ सकती है, फ्रॉम द कैश कीज टू द क्लोजिंग ऑफ द ब्रांच एज वेल. कुछ काम है जो बैंक पीओ को जनरल बेसिस पर करने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है. नाउ द थर्ड थिंग दैट यू वॉन्टेड टू नो इज टाइमिंग. देखो, दे आर मैनी चेंजेस हैव बीन मेड रिसेंटली. ठीक है, अभी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं. जनरली जो हमारा बैंक की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, इट इज़ 10 AM to 5 PM, बट फॉर द पब्लिक डीलिंग इट इज़ 10 AM to 4 PM. यहाँ पर 5 PM पर आपकी जो क्लैरिकल स्टाफ है वो सब घर पर चले जाते हैं, बट इफ़ यू आर असिस्टेंट मैनेजर एंड इफ़ यू आर मैनेजर, यू हैव टू स्टे लोंगर देन यूजल. ओके, सो वहाँ पर जो बैंक के एक्स्ट्रा काम होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर रहना पड़ सकता है. सो अर्लियर क्या था कि हमारा जो जाने का जो टाइम था वो कुछ भी फिक्स नहीं था, बट रिसेंटली योर बैंकिंग यूनियंस आर वर्किंग फॉर दिस. ओके, आपके जो बैंक यूनियंस हैं वो लगातार इसके लिए काम कर रही हैं कि हमारे लिए कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होना चाहिए. अभी रिसेंटली क्या किया गया है, यू हैव टू वर्क फॉर 10 AM to 5:30 PM. ये जो है 5:30 PM अभी सेटल, इट इज़ नॉट परमानेंट. ठीक है, ये अभी परमानेंट नहीं है, बट जनरली वी आर लीविंग बैंक्स एट 5:30 PM अकॉर्डिंग एज पर द बैंकिंग यूनियन. जो हमें एडवाइस किया गया, हमें 5:30 PM यहाँ पर एडवाइस किया गया है.
सो आई होप कुछ जो बैंक सेटलमेंट्स हैं उनके हो जाने के बाद में आपका ये जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगी. एंड द डेज वी आर स्टिल वर्किंग फॉर द 5-day week. ठीक है, देयर एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेक इट अ 5-day week फॉर द बैंकर्स एज वेल. ठीक है, ताकि आपका एवरी सैटरडे एंड संडे विल रिमेन ऑफ, बट राइट नाउ ईच सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे इज ऑफ. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हमारे सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, बट जो हमारे बैंकिंग यूनियंस हैं वो काम कर रही हैं ताकि हमारे जो वर्किंग आवर हो आवर्स जो हैं उनको भी फिक्स किया जाए और हमारा जो वीक है उसको भी 5-day week कर दिया जाए. सो इसके लिए एफर्ट्स लगातार किए जा रहे हैं और आप जब तक ज्वाइन करेंगे मे बी तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी होंगी. बैंकिंग सेक्टर इज गेटिंग बेटर ईच डे आई वुड से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लीज, वट is the number of the leaves that we will be getting. See, if you are in a probation period, अगर आप अभी probation period में हैं, that will be around for 2 years, जो आपका 2 साल का probation period होगा, तो उसमें क्या होता है, आपको number of the leaves होते हैं वो आपको मिलती हैं casual leaves and sick leaves. Casual leaves जो होती हैं वो आपको every month you will be getting one leave, ओके. हर महीने आपकी एक लीव होती है, कैजुअल लीव ऐड होती है, और सिक लीव जो होती है वो आपकी 1.5 ऐड होती है. फॉर द सिक लीव यू विल हैव टू शो योर मेडिकल, एंड कैजुअल लीव जो होती है वो आप अपने आराम से ले सकते हैं. यानी दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग अराउंड 12 लीव्स ईच ईयर. 12 लीव्स आपको हर साल मिलने वाले, स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर तक जो होते हैं वो आपके पास यही होती हैं, बट आफ्टर द वन ईयर कम्प्लीशन ऑफ वन ईयर यू विल बी गेटिंग द PL, दैट इज प्रिविलेज लीव, जो अराउंड 30 लीव्स होती हैं जिसको आप स्पेशल ओकेजन्स पर ही ले सकते हैं. सो ये टोटल लीव्स जो होती हैं वो आपको मिल जाती हैं. इन द केस ऑफ एमरजेंसी, अगर आपके पास एमरजेंसी है, यू कैन ऑल्सो टेक अनपेड लीव्स, आप वहाँ पर अनपेड लीव्स भी ले सकते हैं. एंड द केस ऑफ एमरजेंसीज, अभी आप देखेंगे जो हमारा COVID-19 है, कोरोना वायरस की वजह से अभी एमरजेंसी चल रहा है. सो मैनी बैंकर्स आर स्टिल वर्किंग आउट देयर, एंड इफ़ समवन कैन नॉट बी देयर, अगर हम यहाँ पर अभी बैंक ओपन नहीं करें, वी आर स्टिल गेटिंग सैलरी फॉर दैट. सो ऐसे एमरजेंसी के आज में जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं आपको कुछ भी पे नहीं करती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गोइंग टू पे यू योर मनी एज वेल. ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल आपको आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पर पे करने वाले हैं. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. सो हमारे यहाँ पर एक ये मुझे काफ़ी फनी पॉइंट लगा जो था ऑफिस पॉलिटिक्स. सो देखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर. देखो, प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा जनरली कंपनीज में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, इट इज़ एट इट्स हाई लेवल. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है, बट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा. लाइक देर इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स, एवरी वन इज़ सो कोऑपरेटिव आपके साथ. आपका जो स्टाफ है, अगर आपका जो स्टाफ है, इफ़ यू आर गुड, देखो अगर आप ठीक हो, इफ़ यू डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स, अगर आप अपने काम से काम रखते हो, सो यू इट डजेंट मैटर कि वहाँ पर क्या चल रहा है. ठीक है, सो यू नीड टू डू वॉट, जस्ट अपने ऑफिस जाओ, अपना डू योर वर्क, पुट योर 100% इन योर वर्क एंड कम होम. दैट्स द थिंग अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इट इज़ द रियलिटी. आपको अपनी काम से काम रखना है यहाँ पर. अगर अपना काम से आप काम रखते हैं, देन देर इज डजेंट मैटर कि वट इज गोइंग ओवर देयर, कि यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स है या नहीं है. ठीक है, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे ये आ जाते हैं कि मैम, इज़ इट पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन वाइल वर्किंग एज अ बैंकर. So I would say yes. और ये मैंने yes क्यों बोला है, I have tried it on my own. ये मैंने खुद try किया है. देखो, आपको 10 to, अगर मैं maximum मान लेती हूँ, 6 आपको अगर काम करना है, you have to work. अगर आपको घर पर आकर आपके पास कुछ भी extra काम नहीं है, like cooking and doing your home course, then you have much time to prepare for your examination. ठीक है, अगर आपको घर पर आने के बाद अगर आपको अपना फ़ोन नहीं देखना है और कुछ काम नहीं करना है, आपको घूमना फिरना नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पर अपने जो टाइम है उसको स्टडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली यू हैव वर्क लाइफ बैलेंस. तो ये देखो, मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए हैं बैंक पीओ के बारे में. अब यहाँ पर मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस पीस चीज़ बताने वाली हूँ. देखो, मुझे अभी 6 months हो चुके हैं एज अ बैंक पीओ इन द बैंक. सो देखो, ऑल आई नो अभी इस टाइम पर मुझे जो पता है वो है कि
अगर आपके पास आपको एक अच्छा बैंक मिला है, सेकंड अगर आपका वहाँ का स्टाफ जो है वो कोऑपरेटिव है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग अ ब्रांच, गुड ब्रांच एज वेल, तीन पॉइंट्स हैं जिस पे आपकी जो वर्क लाइफ है वो डिपेंड करती है आपके बैंक के ऊपर. आपको कौन से वाला बैंक मिला है, आपका स्टाफ कैसा है वहाँ पर, और आपकी ब्रांच कैसी है. अगेन, ये तीनों पॉइंट भी आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करने वाले हैं. आपको स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ चैलेंजिंग लग सकती है, लेकिन विद टाइम यू विल गेट यूज टू इट. और देखो, कोई भी आप बाहर जाकर देखेंगे सेक्टर ना, इस टाइम पर जॉब लेना एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर ही हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने सोच ही लिया है काम करने का, दैट इज़ योर चॉइस. बट अगर पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, तो थोड़ा एफर्ट आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, बट इट इज़ बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स. यहाँ आपके बैंक पे डिपेंड करता है. यहाँ एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या टारगेट्स दिए जाते हैं. नहीं, टिल नाउ मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, मेरे सीनियर्स को भी देख रही हूँ, इन माई बैंक वी आर गेटिंग नो टारगेट्स, नो सच थिंग लाइक टारगेट्स. एडवांसेस में आपको टारगेट्स दिए जा सकते हैं, बट इन द डिपॉजिट सेक्शन आपको कोई टारगेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपका जनरल वर्क होता है. एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखो आपके लिए क्या है, आपको रोज पता है आपको वही सेम काम करना है, ऐसा कुछ चैलेंजिंग नहीं है. आपको हर दिन नई तैयारी करनी है, आप अपने घर आकर बिल्कुल फ्री, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जो एक बार आपने सीख लिया ना, वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है. सो एक बार आपको काम सीखने की जरूरत है. स्टार्टिंग के 6 मंथ्स जो हैं वो आपके थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट अगर आपने इन स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में सर्वाइव कर लिया, इस 6 मंथ्स में आपने बिल्कुल ध्यान से हर एक चीज़ को समझा और सीखा, तो आपकी जो आने वाली लाइफ है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी. ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंकिंग जो है वो पहले से ही डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन इतना भी कुछ चेंज नहीं हुआ है कि हम ये सोचे कि हाँ बैंक में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत प्रेशर है बैंक में. देखो, अगर आप काम काम तो हर सेक्टर में आपको करना ही पड़ेगा. अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी जॉब मिले आपको जिसमें आपको काम ना करना पड़े, फिर तो उसका फ़ायदा ही नहीं है, फिर आपके लिए कोई परफेक्ट जॉब शायद होगी भी नहीं. ठीक है, सो आई एम हैप्पी विद वॉट आई एम हैविंग राइट नाउ, एंड मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैंने एग्जामिनेशन दिया, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. मैं अपनी लाइफ को टोटली एन्जॉय कर रही हूँ. सो देर वर ऑल्सो डेज, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, देर वर ऑल्सो नाइट्स वेन आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्लिप. ऐसे भी टाइम आया है मेरी इन 6 महीने में जिसमें मैं रात को सो भी नहीं पाई थी ड्यू टू द प्रेशर. ठीक है, जो एक होता है ना, आप नई जगह पर हो, नए लोगों से मिल रहे हो, आपको लोगों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि आज के जनरेशन जो है उसको गवर्नमेंट सेक्टर में खुद को चेंज ढालने में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, तो थोड़ी चैलेंजेस आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकते हैं, बट ऑल द बेस्ट. अपना पूरा एफर्ट लगाओ इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. अभी भी आपका कोई भी डाउट अगर बचता है, तो मैं डेफिनेटली आपके उस डाउट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी. और ये जो आज का मैंने सेशन रखा था, वो लास्ट हमारा जो वीडियो आया था, उसमें कमेंट सेक्शन में चंद्रकांत ने कमेंट किया था, और उनके इस कमेंट पर मैक्सिमम लाइक्स थे, तो उन सारे पॉइंट्स को मैंने आज के वीडियो में कवर कर दिया है. एंड आई होप ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के लिए. Okay, so these are some of the points that you must keep in your mind if you are preparing for this examination, and that you must know about these points before joining any bank. Okay, so I hope this session will help you right now and in your future, and this will motivate you to work hard for your dreams. चलो, ध्यान रखिए अपना, और बाहर नहीं जाना है, घर पर ही सेफ रहना है अपना. आप घर पर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई अपनी नई हॉबी स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, कोई भी अपना ऐसा कोर्स ले सकते हैं ऑनलाइन जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ. यू कैन लर्न एनी लैंग्वेज. तो ये आपके 21 डेज हैं, ये काफ़ी क्रूशल है, जिसमें आपको एक टाइम मिला है, एक मौका मिला है कोई भी नई चीज़ सीखने का. ठीक है, खुद को इम्प्रूव करने का इन फिजिकल फॉर्म. फिजिकली भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटली भी इम्प्रूव कर सकते हैं. सो एंड दिस इज वन पॉइंट ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और हमने अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी लॉन्च कर दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं.